परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस, विद्यालय प्रबंधक एवं अभिभावकों की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। बैठक में छाया रहा स्कूली वाहनों के चलान का मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। महाराजगंज जनपद के सेंट जोसेफ स्कूल के सभागार में सहायक संभागीय अधिकारी आरसी भारती के नेतृत्व में यातायात जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस, इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के प्रबंधक और अभिभावक के साथ साथ वाहनों के चालक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के सत्कार से हुआ। विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों ने अतिथियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए RI संजय सिंह ने बताया कि अभिभावक नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन से स्कूल बिल्कुल न भेजें। अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की कैद हो सकती है। वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जा सकता है। यातायात निरीक्षक ने दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि दोपहिया वाहनों की दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट न होना मौत का कारण बनता है। चरपहिया वाहनों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सीट बेल्ट बांधना काफी महत्वपूर्ण है और लोग इससे कहीं कतई कोताही न करें। यातायात उपनिरीक्षक प्रवंश ने कहा कि भारत में कोरोना जैसी भयंकर महामारी से भी ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और इसको कम करने की जरूरत है। सतर्कता के साथ ही इसे कम किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए कागजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, यातायात नियमों के पालन करने की जरूरत है और हमें अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि गाड़ियों की जांच में भारी भरकम चालान एक उद्देश्य है जिससे कि यातायात नियमों का पालन करवाया जा सके। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी RC भारती ने विस्तार से अपनी बातें रखते हुए कहा कि हमने सभी की बातें सुनी है। लोकतंत्र में सुरक्षा के नियम की संरचना ऐसी होती है ताकि सभी लोग शासन और प्रशासन के नियमों का पालन करें और सही समाज का निर्माण हो सके। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि वाहनों का कागज पूरा नहीं होता है, उनका पेपर पूरा नहीं होता है तो उसे तब तक न चलाएं जब तक पेपर दुरुस्त न हो जाए। विद्यालयों का प्रथम कर्तव्य है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसके लिए वाहनों का फिट होना जरूरी है। उन्होंने आगे बताया कि टोटल 700 से ज्यादा स्कूल वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 318 वाहन अनफिट हैं। सभा को संबोधित करते हुए माइलस्टोन हेरिटेज स्कूल के प्रधानाचार्य ने यह निवेदन किया कि कोरोना महामारी में उपजी आर्थिक त्रासदी के मद्देनजर कागजों के दुरुस्तीकरण के लिए थोड़ी मोहलत मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रधानाचार्यों ने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने ये कहा कि प्रशासन अगर एक महीने की ढील दे तो जून के महीने में छुट्टी के दौरान विद्यालय अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रधानाचार्यों ने अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। वहीं इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के महासचिव प्रणव गोपाल श्रीवास्तव ने गाजियाबाद में हुई दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए जिससे जनपद में ऐसी कोई घटना न हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि विद्यालय अपने वाहन चालक और खलासी पर निगरानी बरतें और समय रहते कागजों को भी पूरा करवा लें। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष CJ थॉमसन ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से निवेदन किया कि कागजों को सही करवाने के लिए थोड़ी मोहलत दी जा सके जिससे कि विद्यालय प्रबंध समिति कागजों को दुरुस्त करवा ले। इस पूरे बैठक में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। टीम जनमंच खबर, महाराजगंज।